जयराम के पर भी लग सकता है ना कि आप वोट काटने के लिए खड़ा हो गए हैं, जहां जहां से अपने कैंडिडेट खड़ा करवाए हैं, किसी से पैसा लिए हैं क्या कि वोट काटेंगे? क्या लगता है जितने के लायक सारा कैंडिडेट है क्या, जितने लोग खड़े हुए हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि जयराम महतो बुरा लग रहा है, उनका जो नीति और नियम चेंज हो गया उसके हम खिलाफ। कौन किया उसका नीति? इंसान पूर्ण रूप से बुरा नहीं हो सकता, लेकिन जब राजनीति, कई लोग लिख रहे हैं कि उनके सलाहकार ठीक नहीं, इस पर आप देखिए जो लिख रहे हैं उनसे एक बार ले लीजिए, हो सकता है उनके पास कोई अनुभव होगा, अपने अनुभव के तर्ज पर बोल रहे हैं। हम वो क्रांतिकारी थे कि जब कोई नहीं जाता था, एक ही दो लोग रहता था पूरा डुमरी प्रखंड में, तो गांव गांव जाते थे, घर घर जाते थे, लोगों को समझाते थे, धूप धूप में जाते थे, जंगल झाड़ी पार करते हुए जाते थे, और रात को भी गए हैं। अगर मेरा पुराना वीडियो उठा के देखिएगा तो पता चलेगा कि कितना गाँव गए हैं, कितना सभाएं किए हैं और किन किन लोगों को समझाए हैं। जयराम दा को जब गिरफ्तार कर लिया गया रांची में, तो जब सब लोग भाग गया था ना, यहाँ तक कि मोतीलाल महतो भी वहाँ नहीं थे, बाद में आए, तो हम लोग वहाँ डटे रहे थे। उनको आप 50 बार कॉल कीजिए तो 2 बार लग जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। तो किस तरह से लोग कितना अच्छा संपर्क करेंगे? जी हैं, केंद्रीय अध्यक्ष है, समय नहीं है अभी, समय नहीं है। तो क्या लगता है नेता बन जाने के बाद समय रहेगा आम लोगों के लिए? जितना आंदोलन हुआ डुमरी में, हर आंदोलन में मेरा अगर देखिएगा निकाल के पुराना वीडियो, मसाल जुलूस हुआ या तो धरना प्रदर्शन हुआ, जब झारखंड बंदी था, जब मोतीलाल महतो और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार करके डिटेन कर लिया गया था निमेघाट जेल में, तो जेल का भी हम लोग घेराव किए। तो कब तक कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो, उसके आधार पर स्थानीय नीति बने और यहाँ के जो नौकरी हो उसमें लोगों को आरक्षण मिले, इसी मुद्दे के लिए आए थे ना, कि किसी को सांसद बनाने के लिए आए थे? ऐसा आए थे क्या, आपको लगता है क्या? मतलब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं इसीलिए आप जेबी किसे छोड़ दिए? नहीं, केवल चुनाव लड़ना एक मुद्दा नहीं था, बोल रहे हैं ना, कभी भी कोई घटना होता है तो किसी उसका एक वजह नहीं रहता, बहुत सारे वजह रहते हैं। नमस्कार जोहार, आज हमारे साथ भाषा खतियान आंदोलनकारी 60-40 आंदोलनकारी महेंद्र साव है, डुमरी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन और 60-40 आंदोलन, विधानसभा घेराव हो चाहे झारखंड बंदी हो, आम भूमिका रहा है टाइगर जयराम महतो का डुमरी इलाका में जनसभा करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। आज एक बड़ी करवट ली है इनके विचारों में, इनके व्यक्तित्व में, इनके साथियों में। आज ये जो लोग देख रहे हैं, ये लोग एक बड़ा निर्णय लिए हैं, आप लोगों को बड़ा अचंभित होगा, जानने का प्रयास करेंगे। जो 2 सालों से पूरे झारखंड नवनिर्माण के लिए, यहाँ के भाषा संस्कृति, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के अधिकार के लिए लोग आंदोलन किए, अब आ गया मलाई खाने का समय, यानी राजनीति में सांसद विधायक बनने का समय, साथ छोड़ रहे हैं महेंद्र साहब जी जयराम महतो का, सब चीज जानने का प्रयास करते हैं। जोहार। कैसे हैं? ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं? हम लोग तो ठीक हैं, लेकिन माहौल बड़ा गड़बड़ लग रहा है। क्या लग रहा है बताइए? 2 सालों से आपने संघर्ष में रहा, लाठी खाए, मार खाए, झारखंड बंदी किए, सभा कराए, गांव-गांव लोगों को जागरूक किए, हमने की भाषा खोरठा लगो, हमने के 1932 खतियान चाहिए, बाहरी लोग नौकरी करो, और जब वही आप लोगों को जनता चाह रही है कि आप लोग सांसद बनिए, विधायक बनिए और आप ही लोग यहाँ के अधिकार दिलाइए, यहाँ के भाषा को सशक्त कीजिए, यहाँ पे खतियान लागू कीजिए और यहाँ के लोगों को नौकरी दिलवाइए, तब आप जयराम महतो का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं, जिस वजह से हम लोग साथ में थे, जिस उद्देश्य से हम लोग साथ में थे, जब वो उद्देश्य ही नहीं रहा तो हम लोग किस तरह से उसका साथ देंगे, आप ही बता दीजिए। मतलब भाषा, खतियान, 60-40, ये जयराम महतो का उद्देश्य खत्म हो गया? आप गौन हो गया, अगर पूर्ण रूप से खत्म नहीं बोल सकते हैं तो शांत तो बोल ही सकते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जब मांग करे थे 1932 का, क्या लागू हुआ है क्या बताइए? नहीं ना लागू, नहीं हुआ लागू, तो उसके लिए संघर्ष करते रहना चाहिए था कि नहीं? 60-40 के लिए हम लोग आंदोलन किए, 60-40 के लिए क्या नहीं हुआ? डंडे से बरसाया गया हम लोग पर, आंसू गैस से गोली छोड़ा गया था 60-40 के विरोध में हम लोग जब थे, तो क्या लगता था उसमें हम लोग को और आंदोलन नहीं करना चाहिए था? जैसे ही जब निकाला गया वैकेंसी, उसमें उसी 60-40 के अनुरूप ही निकाला गया, तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था कि उस आंदोलन को और तेज धार देना चाहिए था? जगह जगह पे जैसे विधानसभा घेराव था, ब्लॉक घेराव करता है, DC का आवास घेरते हैं, थोड़ा और संगठन को बढ़ाते हैं। हम लोग केवल सामाजिक रूप से रह करके एक बड़ा संगठन नहीं तैयार कर सकते थे, जो कि किसी भी राजनीतिक दल को हम लोग हवा में चट कर देते? इतना जल्दी राजनीति महत्वाकांक्षा क्यों आना था? समय लगता, और लोकसभा में क्यों कूदना था? हम लोग तो झारखंड के लिए बात कर रहे थे, एक सीट ला करके क्या कर लीजिएगा? बोली एक सीट क्या, 8 गो लोकसभा में 8 सांसद बने। अच्छा, अगर आपको लगता है कि 8 गो बन जाएगा तो जयराम महतो आपका पार्टी आपका संगठन कर रहा है, आप लोग के आदमी लोग कर रहे हैं जो आंदोलनकारी लोग हैं। अच्छा, टिकट का है बांटे, जब चुनाव नहीं जीतेगा पूरा अगर झारखंड में लोकसभा जीत लेंगे तो क्या कर लेंगे, PM बन जाएंगे क्या? बन जाएंगे। अच्छा, जयराम महतो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं इसीलिए आप जेबी किसे छोड़ दीजिए? नहीं, केवल चुनाव लड़ना एक मुद्दा नहीं था, बोल रहे हैं ना, कभी भी कोई घटना होता है तो किसी उसका एक वजह नहीं रहता, बहुत सारे वजह रहते हैं।
केवल चुनाव लड़ना मुद्दा नहीं हो सकता, मेन मुद्दा तो वही था कि जो हमारा उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के लिए आए थे हम लोग, आम जनता बन के आए थे ना, और हम ही नहीं जितने नौजवान साथी जितने छात्र छात्राएं आए थे इसमें, उसको एक ही सिर्फ ख्वाहिश था कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो, उसके आधार पर स्थानीय नीति बने और यहाँ के जो नौकरी हो उसमें लोकल लोगों को आरक्षण मिले, इसी मुद्दे के लिए आए थे, ना कि किसी को सांसद बनाने के लिए आए थे। ऐसा आए थे क्या, आपको लगता है क्या? आंदोलन 2 सालों के आप भी मार खाए, जयराम महतो भी गिरफ्तारी, कई लोग मार खाए, लेकिन कहाँ कहाँ का अधिकार मिला, इसीलिए राजनीति में आएंगे, वहाँ से नियम कानून चेंज करेंगे। तब तो कोई भी आएगा वो बोलेगा हमको सांसद बना दो, हमको विधायक बना दो, हक और अधिकार दिला देंगे, तो ऐसा होगा। तब तो पता चलेगा कि हर बार पार्टी बनते रहेगा, पार्टी टूटता रहेगा और जनता इतना चला जाएगा कि सचमुच में कोई आएगा और चाहेगा कि हम एक परिवर्तन कर लें, तो फिर जनता को ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे साथ धोखा होगा, फिर वो किसी का साथ नहीं देगा। ये कोई मुद्दा नहीं हुआ कि हम मतलब सांसद बन जाएंगे तब आपका समर्थन कर पाएंगे, पहले अभी हमारे अनुसार से चाहिए था कि ये संघर्ष लंबा चलना चाहिए था, लड़ाई लंबी होती, इतनी आसानी से नहीं होता, और बीच बीच में छोड़ क्यों दिया जा रहा था? मतलब आपके अनुसार चलते तो ठीक था, मेरे अनुसार नहीं चलता, हर झारखंडियों के हित के अनुसार चलता तो सही था, मतलब पार्टी सामाजिक के अनुसार चलता तो सही था, राजनीतिक नहीं होना चाहिए था, कूटनीतिक नहीं होना चाहिए था, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए था। अगर हम भी वही करेंगे जो हर राजनीतिक पार्टियां कर रही है, तब फिर हमें और दूसरे राजनीतिक पार्टियों में फर्क क्यों रहेगा, फिर हम दूसरे पार्टी को दोष क्यों दे सकते हैं, फिर तो सब पार्टी अपनी जगह पर सही है। अच्छा, हम दूसरे से अलग रहेंगे तब ना हम हक और अधिकार के साथ कहेंगे कि हम उनसे अलग हैं। अभी जैसे धनबाद लोकसभा का आप बात कीजिए, किनको टिकट मिला आपको पता है? 1 लाख अंसारी, तो उनका चेहरा कितना बड़ा था, क्या उससे बड़ा चेहरा पूरे धनबाद लोकसभा में कोई नहीं है? अगर धनबाद लोकसभा में नहीं था तो गिरिडीह लोकसभा से प्रत्याशी उठाते, कोडरमा से उठाते, और हम जहाँ तक जानते हैं धनबाद लोकसभा में 1 से 1 लोग थे, तो उन लोग को टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्या लगता है 1 लाख जिसे कोई बात हुई थी पर्सनली, या तो कोई वजह जरूर रहा होगा? जी ऐसा बात नहीं है कि महेंद्र साहू जी को धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ना था इसीलिए टिकट नहीं मिलने के कारण जेबीके से छोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा बात रहता तो फिर हम मांग करते, अगर हमको लोकसभा का चुनाव लड़ना रहता था हम मांग करते, हमने आज तक कभी मांग नहीं किया, और बात रहा लोकसभा में टिकट बांटने का भी, लेकिन आप हमारा पुराना वीडियो उठा कर देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, या जो मेरे बहुत क्लोज साथी उन लोग से पूछ लीजिए, लगभग 4 मंथ हो गया है हम जैविक शांत है, हम कोई भी सभा में हमको नहीं देखे, हमें महाधिवेशन में थे, इसमें महाधिवेशन जो जयराम महतो हुआ था उसमें थे, महाधिवेशन में थे, उस समय थे, टाइम आपने सवाल खड़ा नहीं किया पार्टी में जा रहा है पॉलिटिक्स में जा रहा है। जी देखिए, तुरंत अगर आप अभी कोई पर्पस लाते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि मतलब उसका पूर्ण उद्देश्य क्या है, लेकिन जैसे से समय गुजरा, जैसे से समझ में आया, उस तरह से हम लोग इसमें जुड़े। जैसे वैसे बोलिएगा तो बहुत सारे लोग आए थे शुरुआत में, तो क्या किसी को लग रहा था कि ये पार्टी के कौन सा रूप लेगा? उस समय तो जी जान से हम लोग इसमें लगे थे, अपना धन भी खर्चा कर रहे थे, तन भी खर्चा कर रहे थे, हम लोग धूप को धूप नहीं गिने, बरसात को बरसात नहीं गिने, हम लोग दिन दिन में जा करके धूप में लोगों को समझाए, हम लोग रात्रि के कार्यशाला में जयराम महतो के लिए नहीं कर रहे, वो अपने लिए कर रहे, राज्य के लिए कर रहे। कौन राज्य के लिए कर रहे हैं? सब जनता लोग जो पैसा खर्चा कर रहे हैं, जनता लोग पैसा खर्चा कर रहे थे राज के लिए ही कर रहे हैं, हम लोग भी जो कर रहे हैं राज के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब राज का हित का बात गौण हो जाएगा तो फिर क्यों करेंगे? जयराम महतो से कभी मिलकर बातचीत इस पर चर्चा किए हैं? क्योंकि आप शुरू से हैं, इतना दिन थे लोग पर, आप पर भी भरोसा किए, उनको बोले आप? हम बताते हैं कैसे बोलेंगे, एक समीर जी हैं जानते हैं, प्रोफेसर थे जिनका चेन्नई में मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है, मैंने कवरेज किया था, दांतों के रहने वाले थे, हम लोग उनके आवास गए थे, जयराम दा को कॉल लगाए, बोले कि सो जयराम दा इनके बारे में मतलब सुने, बोले हाँ दा जानते हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं जाने थे, हम बोले कोयम्बटूर में थे वो, हाँ, तो जब घर आए थे, जब उनका उनके बाद की बात है, मिलने के लिए हर प्रतिनिधि लोग जा रहे थे, हर दल के लोग, तो हम बोले कि ऐसे सेंसिटिव मामला थोड़ा तो मिल लीजिए, हाँ जाना होगा, तो बोले कि हम अभी कहीं बैठे हैं, हमें उठ के बात करते हैं, फिर उनको कॉल लगाएं, बहुत बार कॉल नहीं लगा, उनको आप 50 बार कॉल कीजिए तो 2 बार लग जाएगा, तो बहुत मुश्किल है, तो किस तरह से लोग कितना अच्छा संपर्क करेंगे? जी हैं, केंद्रीय अध्यक्ष है, समय नहीं है, अभी समय नहीं है, तो क्या लगता है नेता बन जाने के बाद समय रहेगा आम लोगों के लिए? लोग आप लोग का काम है ना, और भी साथी थे उन लोगों का काम है, हर टाइगर वो बोल रहे हैं सब कोई टाइगर बने, नहीं टाइगर सब लोग बनेगा, लेकिन जो आपके लिए दिन रात लड़ रहे हैं, अगर आप देखे होंगे तो हम लोग लड़ने वाले में थे, भिड़ने वाले में थे, जब जयराम आपका कार्य बताए 2 सालों के आंदोलन में, 2 सालों के आंदोलन में जयराम दा को जब गिरफ्तार कर लिया गया रांची में, तो जब सब लोग भाग गया था ना, यहाँ तक कि मोतीलाल महतो भी वहाँ नहीं थे, बाद में आए, तो हम लोग वहाँ डटे रहे थे, मार खाए हैं पुलिस का,
पुलिस का और डंटा में था, और मेरे साथ अभी सुरेंद्र जी है वहाँ पे विधानसभा में, विधानसभा घर हम जब 60-40 के विरोध में चल रहा था, जब 60-40 का विरोध चल रहा था, जो भागे नहीं थे, जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद हम लोग लाठी का डंटा खाए हैं जब हम लोग रोड पे रहे पहले धरना में बैठे, हाँ वहाँ धरना में बैठे, उसके बाद हम लोग का प्लान बना के चलो रोड जाम कर देंगे, लेकिन जाने ही के क्रम में मतलब हम लोग पर डंटा चला दिया गया था, और मेरे साथी सुरेंद्र जी है विधानसभा घेराव में जो हुआ है उसके बाद, और क्या है सिर्फ विधानसभा घेराव में लाठी खाए, इसीलिए सिर्फ विधानसभा में लाठी, जितना आंदोलन हुआ डुमरी में हर आंदोलन में मेरा अगर देखिएगा निकाल के पुराना वीडियो, मसाल जुलूस हुआ या तो धरना प्रदर्शन हुआ, जब झारखंड बंदी था, जब मोतीलाल महतो और उसके चार साथियों को गिरफ्तार करके डिटेन कर लिया गया था निमेघाट जेल में, तो जेल का भी हम लोग घेराव किए, तो कब नहीं किए, जब से जुड़े हैं और जब तक रहे हैं तब तक किए, और सिर्फ आप इस आंदोलन को नहीं देखिए, हम वो क्रांतिकारी थे कि जब कोई नहीं जाता था, एक ही दो लोग रहता था पूरा डुमरी प्रखंड में, तो गाँव गाँव जाते थे, घर घर जाते थे, लोगों को समझाते थे, धूप धूप में जाते थे, जंगल झाड़ी पार करते हुए जाते थे, और रात को भी गए हैं, अगर मेरा पुराना वीडियो उठा के देखिएगा तो पता चलेगा कि कितना गांव गए हैं, कितना सभाएं की हैं, और किन किन लोगों को समझाए हैं धूप में भी और रात में भी। पहले जयराम महतो अच्छा लग रहे थे, अभी बुरा सिर्फ मुद्दा के लिए। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि जयराम महतो बुरा लग रहा है, उनका जो नीति और नियम चेंज हो गया उसके हम खिलाफ, कौन किया उसका, इंसान पूर्ण रूप से बुरा नहीं हो सकता, लेकिन जब राजनीति, कई लोग लिख रहे हैं कि उनके सलाहकार ठीक नहीं, इस पर आप देखिए जो लिख रहे हैं उनसे एक बार ले लीजिए, हो सकता है उनके पास कोई अनुभव होगा, अपने अनुभव के तर्ज पर बोल रहे हैं, और वो किनको उनका सलाहकार समझ रहे हैं, ये तो जो लिखे हैं उन्हीं से आपको एक बार बात करना पड़ेगा। अगर लोग ये भी तो आप आरोप लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव सामने है, जेबी केसेस का दामन छामा छोड़ा, 50 युवाओं के साथ कहीं कोई पार्टी से आप लोगों का फंडिंग मिल रहा है, किधर जा रहे हैं, इस तरह ऐसा अगर बोलेंगे तो ऐसा आरोप तो जयराम पर भी लग सकता है ना, कि आप वोट काटने के लिए खड़ा हो गए हैं, जहां जहां से अपने कैंडिडेट खड़ा करवाए हैं, किसी से पैसा लिए हैं क्या कि वोट काटेंगे, क्या लगता है जितने के लायक सारे कैंडिडेट है क्या, जितने लोग खड़े हुए हैं तो आप क्यों खड़ा किए, आरोप लगाना बहुत आसान है, सिद्ध करना मुश्किल है, और हम आपको पहले ही बता दिए ये मेरा आज का निर्णय नहीं है, मेरे 4 महीने से हम शांत हैं, अगर आप देखेगा तो 4 महीने से कोई सभा में नहीं गए हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का क्या उद्देश्य? उद्देश्य यही था कि हमारे जैसे कुछ शुभचिंतक, कुछ समर्थक लोग ऐसे भी हैं, और यहाँ तक कि कुछ रिलेटिव लोग भी हैं, कोई मतलब अभी जा रहे थे जीविक साथ में, तो फिर बाद में उनको पता चलता था तो फिर बोलते थे कि दा तो आप तो उसी में, तो फिर हम सोचे एका करें कितना लोगों को समझे। आपके साथ साथ बहुत सारा टीम है जो जेबी केसेस का दामन छोड़ रहा है एक साथ। हाँ, तो जैसे देखिए मेरे लिए जो जुड़े होंगे, मेरे जो समर्थक होंगे और जिनका विचार उनसे नहीं मिलता होगा, वो तो उनके साथ हम नहीं जुड़े रहेंगे। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जेबी केसेस का सदस्यता कभी ग्रहण नहीं किया, लेकिन हमारे कहने पे सभा में आते थे, कभी रैली में आते थे, और जो नहीं भी आ पाते थे सोशल मीडिया में थ्रू में सपोर्ट करते थे सोशल मीडिया में, तो हमने भी डाला, मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, तो जी जान से उनके लिए हम लोग जब भी भाषण करते थे, जब भी स्टेज हम लोग को मौका मिलता था, तो बहुत हम लोग चाहते थे कि एक ऐसा इंसान है जिनको हाईलाइट हम लोग करें, हम लोग खुद करते थे, तो मेरे समर्थक लोग भी करते थे, सोशल मीडिया में भी करते थे, और जो अब समय आ गया है तो अब हम लोग को लगा कि नहीं, अब समय के अनुसार से चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि झारखंड के लोग इतना ठगा हुआ महसूस करें कि एक दिन ऐसा होगा कि कितनों लोग सचमुच का आंदोलन करना चाहेगा और हक अधिकार के लिए एकदम जान प्राण देना चाहेगा, तो ऐसा आएगा कि जनता विश्वास ही नहीं करने लगे उस पर, तो उस विश्वास को खड़ा उतरने के लिए एक पैरलर संगठन ऐसा चाहिए जो कि राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, उस उद्देश्य से हम लोग इसमें आए कि जब झारखंड का हित और अधिकार का बात तो करते ही रहेंगे, लेकिन उनके साथ जिनके साथ अपने विचार मिलेगा, राजनीतिक संगठन ना हो सामाजिक संगठन, जयराम महतो भी सामाजिक और झारखंड संगठन है, अभी राजनीति में आ गया, तो क्या महेंद्र साहब जी आगे की समय में विधानसभा लोकसभा की तैयारी करेंगे? देखिए हमने जो कहा हमको लगता है आप अच्छा से समझे नहीं, हमने कहा हमारा संगठन राजनीति कभी नहीं लड़ेगा, और हमारे संगठन में जैसे मान लीजिए 10,000 की संख्या कल हो जाएगी, 10,000 में अगर बहुत लोग चाहेंगे कि हमें योग है हम कहीं पे अपना चुनाव लड़े तो स्वतंत्र है, क्योंकि हमारा जब राजनीतिक संगठन आएगा तो उसमें हर दल के लोग आएंगे, कोई भी दल का हमारा रोक टोक नहीं है, सब दल के लोग सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम झारखंड हक और अधिकार की बात करेंगे, लेकिन हमारा जो संगठन रहेगा उस संगठन राजनीतिक रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो संगठन नहीं कहेगा कि हम राजनीतिक चुनाव लड़ेंगे, आज से हम राजनीतिक घोषणा करते हैं, हमारा राजनीतिक पार्टी बन गए, ये नहीं कहेंगे, और हम किसी को रोकेंगे भी नहीं, कैसे से जेल के हम बनने जैसा बिल्कुल नहीं होगा, नहीं वो नहीं होगा।
हमारा सामाजिक संगठन रहेगा और सामाजिक रूप में हम लोग हमेशा कार्य करते रहेंगे। जितना जनता का प्यार मिलेगा, जितना लोगों का प्यार मिलेगा, उस तरह से हम लोग पार्टी का विस्तार करते जाएंगे। और लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग का प्रयास है कि राज्य स्तर का इसको एक अच्छा संगठन बनाया जाए। और केवल ये हक और अधिकार की बात करें, ये कभी ना करें कि चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद तो हर पार्टियां कर रही है। अगर हम भी वही बात करेंगे तो फिर हमें उसमें अंतर क्या रहेगा? जो अच्छे कैंडिडेट होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, समय आने पर उसको समर्थन किया जाएगा, जो जिस योग हम उनको किया जाएगा, लेकिन स्वयं हमारा संगठन नहीं लड़ेगा। चलिए, ये थे महेंद्र साहब जी। जो भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, 60-40 का जो आंदोलन चले, उसमें डुमरी विधानसभा क्षेत्र के आम रोल रहा। टाइगर जयराम महतो का विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं, जो जिसमें हमेशा आरोप लगता है मोतीलाल महतो पर कि भाग गए। ये थे, ये कह रहे हैं कि हम उस टाइम थे, डटे रहे, मार खाएं, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस खाएं, और टाइगर जयराम महतो के विचारों को गाँव गाँव फैलाएं, लेकिन उनका विचार अभी गौन हो गया, इसीलिए हमने जेबी केसर जेल के हम पार्टी को छोड़ रहे हैं और एक अपना संगठन बना रहे हैं। इसे लास्ट में बता दीजिए, संगठन का क्या नाम है आप लोगों का? झारखंड नवनिर्माण संघ। हाँ, ये झारखंड का नवनिर्माण करने के लिए तत्पर है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद समय देने के लिए।